आकाशवाणी जम्मू है बड़ला खबरें च तुंदा स्वागत है। पहले खास खास खबरें कन्ने मैं विजय बजाज। जम्मू कश्मीर च जिला विकास काउंसिल दे छेवें गेड़ तहत मतदान जारी है। इस गेड़ च 31 डीडीसी हलकें च 245 मेदवार चुनाव मैदान च न। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें IISSM दी 3वीं सालाना कुल संसारी सम्मेलन गी संबोधित कीता ते नागरिकें दी डिजिटल साक्षरता च सुधार आनने पर जोर दित्ता है। जम्मू कश्मीर च नमें पैदा होए दे बच्चें दी मृत्यु दर च 22 अंकें दी कमी ते न्याने बच्चें दी मृत्यु दर च 16 अंकें दी कमी दर्ज कीती गई है। जम्मू कश्मीर च बिजली क्षेत्र की पिछली देनदारियें गी मुकाने आस्ते आत्मनिर्भर भारत अभियान तहत 11,000 करोड़ रुपये की माली सहायता उपलब्ध करवाई जाग। खबरें की तफसील कन्ने जगमोहन शर्मा। सख्त ठंडू दे बावजूद भी खरी मती गिनतरी च मतदाता मतदान केंद्रें पर पुज्जा'रदे न, जित्थे अज्ज जिला विकास काउंसलें दे चुनां लई छेवें गेड़ दा मतदान होआ करदा ऐ। बक्ख बक्ख जिले थमां थुआढ़ी जानकारी मुजब केईं थाहरें ते बड्डलै 6:30 बजे गै लोक मतदान केंद्रें पर वोट पाने लई पुज्जी गेदे हे। टकोह्दा करियै ओह् जेह्ड़े पहली बारी वोट पाने दे अपने हक्कै दा इस्तेमाल करा करदे न। मतदान बड्डलै 7 बजे शुरू होई गेआ ऐ, जेह्ड़ा दोपैह्री 2 बजे धोड़ी जारी रौह्ग। बर्फबारी आह्ले किश इलाकें च अज्ज मतदान दी रफ्तार दरा मट्ठी ऐ, पर ज्यादातर मतदान केंद्रें पर एल्लै लोकें दियां लम्मियां रींगां लगी दियां न। अज्ज कुल 31 जिला विकास काउंसल चुनां हलकें च वोट पोआए जा करदे न, जिंदे च 17 जम्मू प्रांत ते 14 कश्मीर प्रांत च न। अज्जै दे मतदान च 7,48,301 मतदाता वोट पाने दे अपने हक्कै दा इस्तेमाल करदे होई 245 मेदवारें दे भविक्ख दा फैसला करङन। एह्दे लेई 2071 मतदान केंद्र बनाए गेदे न, जिंदे चा 1,208 कश्मीर ते 863 जम्मू प्रांता च न। जम्मू प्रांता दे बक्ख बक्ख जिलें थमां साढ़े संवाददाता मतदान बारे ताजा जानकारी भेजा करदे न। जंदी राती फिर पानसर लाके च हीरनगर सैक्टर च गोलीबारी कीती गई, पर ओह्दे बावजूद भी अज्ज बड़लै लोक 7 बजे कन्नै अपने अपने मतदान केंद्र पुज्जा करदे न। एह् कठुआ जिला दे डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हीरनगर ते बरनोटी च चुनाव कराए जा करदे न। 93 बरे दी इक जानकी देवी जिन्ने की कटर गुजरां पोलिंग बूथ उप्पर हुणै उन्हें गै थोड़ी देर पहले वोट पाया है। अजें तक थ्होई दी जानकारी दे मुजबी लगभग 8% तक मतदान होई चुका है। हीरनगर बार्डर तो मैं प्रदीप कुमार शर्मा। जिले दी दौं बन्नियां दीआं डीडीसी सीटें रामगढ़ सी ते रायपुरा दे 55 पोलिंग बूथें पर भी वोट पाए जा करदे ने ते सुरक्षा दे भी पुख्ता प्रबंध कीते गए ने। इन्हें दौनें डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसियों च कुल 29,318 मतदाता ने ते वोट पाने आस्तै लोकें च बड़ा मता उत्साह देखने की लब्भा करदा है। सांबा थमां सरपाल शर्मा। साढ़े उधमपुर आह्ले संवाददाता अनिल दुबे ने वोट पाने आए दे किश लोकें कन्नै भी गल्लबात कीती, जिंदे च पहली बारी मतदान करने आए दे नौजवान भी शामिल हे। मेरा नाम सुशील है, मैं उधमपुर के बड़ाली ग्रां का रौहने वाला। मैं अज पहली बारी वोट पा दा। मैं सारे को अपील करना, सारे वोट पाओ ते अपना पसंद का नुमाइंदा चुनो। जम्मू कश्मीर दे चुनाव आयुक्त के शर्मा होरें लोकें अग्गे इक बारी परतियै अपील कीती ऐ जे मुल्खै दे सभनें शा मते सनाह रेह से जम्मू कश्मीर च लोकतंत्र गी होर मता मजबूत बनाने लई ओह् इस चुनाव च बी बधी चढ़ियै हिस्सा लैन। कल संझा जम्मू च इक प्रेस कांफ्रेंस गी संबोधित करदे होई उनें आखेआ जे जिला विकास काउंसलें दे पिछले 5 गेड़े दे मतदान आह्ला लेखा गै लोकें गी इस केड़े गेड़ च बी वोट पाने दे अपने हक्कै दा इस्तेमाल जरूर करना लोड़चदा। COVID-19 महामारी गी ध्यान च रखदे होई कीते गेदे प्रबंधें दा जिक्र करदे होई चुनाव आयुक्त होरें आखेआ जे मतदान ते चुनाव अमले समेत सभनें दी सेहत ते सुरक्षा दे लोड़दे सभै प्रबंध कीते गेदे न। ये इलेक्शन कोविड में हो रही है, जब आप घर से निकले तो जरूर अपना मास्क पहन के जाए। पोलिंग स्टेशन को सैनिटाइज किया हुआ है, जब आप वोट डालने जाएंगे तो वहाँ पर आपको वोट डालने में कोई रिस्क नहीं है। वहाँ पर सैनिटाइजर भी रखा गया है, साबुन पानी रखा गया है और आपका वोट वहाँ पर डाला जाएगा DDC कॉन्स्टिट्यूएंसी का। और जिस जिस इलाके में सरपंच और पंच की वैकेंसी भी है वहाँ पर सरपंच और पंच का भी वोट डाला जाएगा। टोटल पोलिंग स्टेशन इंगेज इस एक्सरसाइज में 2071 in Kashmir and 863 in Jammu. 99,949 voters are for Sarpanch. 58,302 voters will be voting for the Panch constituencies. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखेआ जे भारत ने ना छड़ा पैरिस समझौते दे अपने लक्ष्यें गी हासल करने दी दिशा च ऐ, सगुआं ओह्दे कोला कीती जाती मेदें सोआं मता अग्गें उनेंगी पार करने दी बत्ता पर ऐ। जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन 2020 जेह्दी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस ते UK आसेआ सांझे तौरा पर कीती गेई गी संबोधित करदे होई प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे असेंगी ना छड़ियें अपनी आसें मेदें गी संशोधित करना लोड़दा, सगुआं अपनी उपलब्धियें दी समीक्षा भी करनी लोड़दी। मोदी होरें आखेआ जे भारत ने सौर ऊर्जा दे क्षेत्र च अपनी क्षमता जेह्ड़ी 2014 च 2.63 GW ही, उसी 2020 च 36 GW तोड़ी पुजाई दिता गया है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस होरें सब्भनें मुल्खें अग्गें आह्वान कीता ऐ जे जलवायु गी इक एमरजेंसी घोषित करदे होई धरती दे बद्ध तापमान पर रोक लाने लेई जतनें च व्यापक तेजी आननी लोड़चदी। पैरिस समझौते दे पंज ब'रे पूरे होने पर लोआए गेदे विशेष शिखर सम्मेलन च बोलदे होई उनें आखेआ जे 38 मुल्खें जलवायु संकट गी आपात स्थिति घोषित करी दित्ते दा ऐ ते हुन होरनें मुल्खें गी बी इत पेठा इस्सै चाल्ली दी कार्रवाई करनी लोड़चदी तां जे समूलची दुनिया लेई बने दे इस खतरे कन्नै निबड़ने लेई बत्त पद्धरी होई सकै। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल होरें आखेआ ऐ जे राई बाई दे क्षेत्रै च सुधार आह्ले नमें कानूनें राएं ग्रामीण इलाकें च मती रास पूंजी लाने दियां संभावनां बधगन ते करसानें दी आमदन च बी बाद्धा होग। कल फिक्की दे सलाना बैठक गी संबोधित करदे होई गोयल होरें आखेआ जे इनें कानूनें राएं करसानें लेई व्यापक कारोबार ते नमें मौके पैदा होंगन पर पैह्ले आह्ली व्यवस्था बी बरोबर जारी रौह्ग ते ओह्दे च कोई तब्दीली नेईं औग। मंत्री होरें आखेआ जे राई बाई कन्नै जुड़े दे सब्भनें व्यवसायियें ते बुद्धिजीवियें गी इनें कानूनें दे फायदे बारे गल्ल करनी लोड़चदी ते किस चाल्ली इंदे नै देसा दे करसानें गी फायदा हासल होग। एह् खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू परा सुना'रदे ओ। बाकी दियें खबरें कन्नै विजय बजाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें साइबर सुरक्षा लेई विशेष म्हारत आह्ले सिखलाई केन्द्रें दी शनाख्त करने ते साइबर उपकरणें दे मानक तय करने दी जरूरतै पर जोर दित्ता ऐ। सुरक्षा प्रबंधन सरबंधी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान IISSM दे 3वें सालाना कुल संसारी सम्मेलन गी वर्चुअल तरीके कन्नै संबोधित करदे होई उनें नागरिकें दी डिजिटल साक्षरता च बाद्धा करने लेई अभियान चलाने दा आह्वान कीता तां जे ओह् सखल्ले डिजिटल जरियें दा इस्तेमाल करदे होई अपने कम्मै च बाद्धा ते जीवन स्तरै च बेहतरी आनी सकन। उनें आखेआ जे कोविड संकट दे बावजूद बी डिजिटल माध्यमें दी मदद कन्नै बपार कारोबार ते होरनें क्षेत्रें गी लग्गी दी पछाड़ गी पिच्छे छोड़ियै हून इनें क्षेत्रें च बेहतरी ते सुधार दर्ज कीता जा'रदा ऐ ते एह्दे च होर मतियें ऊंचाइयें गी हासल करने दी बी मेद ऐ। आबादी सरबंधी विज्ञान आह्ले अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मुंबई पासेआ करोआए गेदे राष्ट्रीय परिवार सेह्त सर्वेक्षण दी हालिया रिपोर्ट मुजब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर नै पिछले 3 बरें च बड़े मते महत्व आह्ले माताएं ते बच्चें दी सेह्त सरबंधी सूचकांकें च रिकार्ड सुधार दर्ज कीता ऐ। भारत सरकार दे सेहत ते परिवार कल्याण मंत्रालय पासेआ कल 22 राज्यें ते केंद्र शासित प्रदेशें लेई एह् रिपोर्ट जारी कीती गेई। रिपोर्ट मताबक जम्मू कश्मीर नै नवजात बच्चें दी मौतें दी दर च 22 अंकें दी कमी, न्याणे बच्चें दी मौतें दी दर च 16 अंकें दी कमी ते 5 बरें तक दी उमरी दे बच्चें दी मौतें दी दर च 19 अंकें दी कमी दर्ज कीती ऐ जेहड़ी केंद्र शासित प्रदेश च आम लोकें दी सेहत सरबंधी स्थिति च सुधार गी दर्शांदी ऐ। एह् रिपोर्ट जम्मू कश्मीर च कुड़ियें बक्खी आई दी सकारात्मक तब्दीली गी भी दर्शा करदी है। इस रिपोर्ट मुताबक जम्मू कश्मीर च जित्थे पहले 1000 जागतें दे मुकाबले कुड़ियें दी गिनतरी 903 ही उत्थे गै हुन गिनतरी होर बधियै 976 तक पुज्जी गेदी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लेई आत्म निर्भर भारत अभियान दे तहत 11,024,47,00,000 रुपये दा दोआर कर्जा मंजूर कीता गेदा है। एह्दे राहें जम्मू कश्मीर गी बिजली दी खरीद तहत अपने पहल के बकाए अदा करने च मदद थ्होग। दोआर आह्ली इस रकम चा 5,444,47,00,000 रुपये दी दुई किश्त हासल करने लेई जम्मू कश्मीर बिजली विकास विभाग दे प्रधान सचिव रोहित कंसल हुंदी मौजूदगी च कल श्रीनगर च जम्मू कश्मीर बिजली विकास विभाग, जम्मू कश्मीर पावर कारपोरेशन लिमिटेड ते फाइनेंस पावर कारपोरेशन बश्कार इक सहमति पत्रै पर दस्तखत कीते गे। ध्यानजोग ऐ जे आत्म निर्भर भारत अभियान दे तहत भारत सरकार ने बिजली दी बंड करने आली कंपनियें लेई 90,000 करोड़ रुपये दे विशेष पैकेज दा ऐलान कीते दा ऐ तां जे एह् कंपनियां बिजली दी खरीद सरबंधी अपनी देनदारियां अदा करी सकन। घरें मकानें ते शहरी विकास सरबंधी मैह्कमे दे प्रधान सचिव धीरज गुप्ता होरें कल जम्मू आह्ले सिविल सैक्रेटरिएट च इक उच्ची सतह दी बैठक लाइयै जम्मू ते श्रीनगर शैह्रें च स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट गी लागू करने दे कम्मै च हासल प्रगति दा जायजा लैता। मीटिंग दौरान प्रधान सचिव होरें गलाया जे स्मार्ट सिटी आह्ले इस प्रोजैक्ट कन्नै दौनें गै शैह्रें च लोकें दे जीवन स्तर च बेहतरी औग ते आम लोकें गी बिजन कुसै दिक्कत परेशानी दे बिजली ते पानी उपलब्ध होई जाग। एह्दे अलावा इस प्रोजैक्ट दे राहें ठोस कूड़े कचरे दे प्रबंधन सरबंधी असरदार सरिस्ते गी भी अमल च आंदा जाग। धीरज गुप्ता होरें गलाया जे एह् प्रोजैक्ट शहरी इलाकें च सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट आह्ली इक असरदार प्रणाली उपलब्ध करोआने दे कन्नो कन्नी इनें दौनें गै शैह्रें च आम लोकें गी घट्ट कीमतें उप्पर रिहायश दी सहूलत भी उपलब्ध करोआग। प्रधान सचिव होरें इब्बी गलाया जे स्मार्ट सिटी आह्ले इस प्रोजैक्ट दा मकसद लोकें गी असरदार ते किफायती सार्वजनिक सेवां उपलब्ध करोआइयै उंदे आर्थिक विकास च सुधार आनना ऐ। एह्दे अलावा एह्दा मकसद सेहत ते शिक्षा सरबंधी इक असरदार प्रणाली भी तैयार करना ऐ। ते अखीरै च खास खबरां इक बारी पढ़ती है। जम्मू कश्मीर च जिला विकास काउंसल दे 6वें गेड़ तैह्त मतदान जारी है। इस गेड़ च 31 DDC हलकें च 245 मेदवार चुनाव मैदान च न। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें IISSM दे
त्रीवीं सलाना कुल संसारी सम्मेलन गी संबोधित कीता ते नागरिकें दी डिजिटल साक्षरता च सुधार आनने पर जोर दिता। जम्मू कश्मीर च नमें पैदा होए दे बच्चें दी मृत्यु दर च 22 अंकें दी कमी ते न्याणे बच्चें दी मृत्यु दर च 16 अंकें दी कमी दर्ज कीती गई है। जम्मू कश्मीर च बिजली क्षेत्र गी पिछलियें देनदारियें गी मुकाने लई आत्मनिर्भर भारत तैहत 11,000 करोड़ रपे दी माली सहायता उपलब्ध करोआई जाग। एह्दे कन्नै गै खबरें दा एह् बुलेटिन समाप्त होआ।